एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. वेलकम टू बिंग बैंकर विद निव्या. गाइस, माय नेम इज़ निव्या भुवन. और जैसा कि आप लोग जानते हैं, एसबीआई क्लर्क मेंस का डेट आ चुका है. काफ़ी बच्चे क्वालिफाई हो चुके हैं एंड काफ़ी लोग परेशान हैं कि कैसे पढ़ें, क्या क्या पढ़ें, क्या छोड़ें. तो आज मैं आप लोगों के लिए पूरा, आपके पास 8 दिन का टाइम है, मैं आप लोगों के लिए 1 वीक का पूरा रूटीन तैयार करके लाई हूँ. ठीक है, आज मैं आप लोगों को क्वांट्स का बताने वाली हूँ कि क्या रूटीन आपका 1 हफ्ते का होना चाहिए. सो, 1 हफ्ते का रूटीन होगा ये आपका, जहाँ पर आप लोगों को 4 मेंस के मॉक, जैसा मैंने आप लोगों को रीजनिंग भी बताया था, वही सेम चीज़ आप यहाँ पे कंटिन्यू करोगे. आप मेंस के फुल वाले मॉक लगाइए, फुल नहीं लगाना है तो अलग अलग वाले लगाना है, जैसा भी आपका प्रेफरेंस होगा. लेकिन फुल वाले मॉक एटलीस्ट एक तो आप लगाओगे ही हर दिन, एटलीस्ट एक. एंड उस कोशिश करिएगा कम से कम 2 तो आप लगा ही लें. ठीक है, नाउ क्वांट्स में आपका जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा, एक वो होगा सिंप्लीफिकेशन, जहाँ पे आप फोकस करोगे. दूसरा होगा अप्रोक्सीमेशन, इम्पॉर्टेंट होते हैं. डीआई ऑफ कोर्स, डेटा इंटरप्रिटेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ऐसे तो क्वेश्चन आपके काफ़ी सारे बन सकते हैं. रॉन्ग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज, ये सारे टॉपिक्स छोटे छोटे होते हैं, लेकिन एक एक नंबर एग्जाम में काफ़ी मायने रखता है. तो क्यों आप एक नंबर को जाने दोगे, है ना? तो अगर आपका नंबर सीरीज़ अच्छा है तो ज़रूर से आप प्रैक्टिस करिए उसको. इसके बाद आता है एरिथमेटिक, जिसमें काफ़ी सारे बच्चे परेशान रहते हैं. एरिथमेटिक में आपका प्रॉफिट एंड लॉस होता है, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट है, टाइम डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क रेशियो, प्रोपोर्शन, मिक्सचर एलिगेशन, मेंसुरेशन. सो आप एरिथमेटिक के लिए, तो अगर आपको लगता है कि आपका थोड़ा ये वीक टॉपिक है ना, तो इसका थोड़ा स्ट्रैटेजी आप लोग चेंज करिए. इसका क्या स्ट्रैटेजी बनाइए? एरिथमेटिक छोड़ना तो मैं नहीं बोलूँगी कि आप बिल्कुल ही छोड़ दीजिए, वो तो पॉसिबल नहीं है. आप कोशिश करिए कि आप कोई एक ऐसा टॉपिक, कम से कम आप 1 या 2 टॉपिक कोई ऐसा ढूंढ लें अरिथमेटिक में, जिससे कि आपको पता हो कि क्वेश्चन तो आने ही आने हैं. ठीक है, तो आप अपना, आपका टॉपिक तो होगा ही, पहले से कोई पकड़ तो आपकी होगी ही, जो भी टॉपिक आपको अरिथमेटिक का अच्छा लगता है और आपको पता है कि इससे क्वेश्चन ज़रूर ही आएंगे, 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन तो ज़रूर ही आने वाले हैं. तो एटलीस्ट आप उन कुछ टॉपिक्स, अगर 2 टॉपिक है 3 टॉपिक है, तो एटलीस्ट आप उन सारे को इतने अच्छे से कर लो कि एटलीस्ट वहाँ पर आप अपने मार्क्स तो नहीं जाने दो. ठीक है, तो अभी के टाइम पे कुछ भी नया करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नया सीखने की ज़रूरत नहीं है. जो आपको आता है उसी को बस प्रैक्टिस करते रहिए, मेंस के मॉक लगाते रहिए. जितना ज़्यादा अच्छा मॉक होगा, जितना ज़्यादा अच्छे से आप उसे एनालाइज करोगे, उतना ज़्यादा चांसेस आपके बढ़ जाएंगे एग्ज़ाम में सिलेक्शन के. सो थैंक यू सो मच गाइज, मिलती हूँ आप लोगों से मैं नेक्स्ट सेशन, जहाँ पर मैं आप लोगों को इंग्लिश का बताऊँगी एंड करेंट अफेयर का. थैंक यू सो मच. फर्स्ट सितंबर से काफी सारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट एजुकेटर्स के, जो कि टॉप एजुकेटर्स हैं अनअकैडमी पर, एंड टॉप बैचेस हैं. इससे अच्छे बैचेस आपको और मिलेंगे नहीं अनअकैडमी पर. सो ये आपका एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है. अगर आप भी बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आज के टाइम पे अनअकैडमी से बेहतर प्लेटफॉर्म आपको कोई मिलेगा नहीं, जहां पर आपको 70+ एजुकेटर्स मिलने वाले हैं, जो कि लाइव क्लासेस दे रहे हैं, रिकॉर्डेड भी आपके अवेलेबल होते हैं, वीडियोस, प्रैक्टिस के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको. 98% बैंक एस्पिरेंट्स का भरोसा है. अगर आपको नहीं पता है तो बता दूं, काफी सारे बच्चे हैं ऐसे जिन्होंने अनअकैडमी पर करके एग्जाम्स क्रैक किया है. एंड इसके अलावा अगर आप बोलोगे कि और कौन कौन से बैचेस यहां पर चल रहे हैं, तो आप यहां पर देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स को फोकस करके, जैसे कि आपका रण विजय बैच है, जो कि आपका 1 सितंबर, मतलब आज से ही स्टार्ट हुआ है. स्ट्रॉन्ग लाइनअप है बैचेस का, आप देख सकते हैं. रण विजय बैच है जो सीटी के लिए फोकस किया गया है, एंड एडवांस प्रैक्टिस बैच दिया गया है बैंक के लिए. फाउंडेशन अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो उसके लिए भी बैचेस आपके अवेलेबल है अनअकैडमी पर. इसके अलावा भी डिफरेंट एजुकेटर्स, जैसे कि आपका अगर फोकस है एसबीआई एग्जाम, जो कि आने वाला है, तो उसके लिए फाउंडेशन बैच चल रहा है गुरुकुल, इसके लिए आईबीपीएस के लिए. अगर आपका भी टारगेट आईबीपीएस है, जरूर से आप इससे ज्वाइन करें. एंड आईबीपीएस एसओ या फिर एएफओ जो एग्जाम आने वाला है, उसके लिए भी अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप अनअकैडमी प्लस पर वो भी कर सकते हैं. एंड साथ ही एसबीआई क्लर्क के लिए है डाउट बैच, जहां पे आपका लॉन्च किया गया है, जहां पे आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं. प्रैक्टिस कोर्स भी दिया गया है बैंक एग्जाम्स का. एंड साथ ही यहां पर मेरा जो बैच है ना, वो आईबीपीएस एसओ के लिए एक करंट अफेयर का बैच आ रहा है, जो कि राज्य भाषा अधिकारी का जो वैकेंसी आने वाला है आईबीपीएस का, उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है एंड काफी हेल्पफुल होगा गाइस. एनआईएसीएल के लिए भी वैकेंसी निकल चुकी है, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप उसके लिए ये वाले बैचेस को ज्वाइन करें. ये जो है ना, मेरा यहाँ पर ऑलरेडी आज से एक और बैच स्टार्ट हुआ है, जिसका फोकस जो भी रीजनिंग पर है, और ये दूसरा मेरा करंट अफेयर का बैच है. तो आप दोनों के लिए मुझे ज्वाइन कर सकते हो. रीजनिंग के लिए सुबह में क्लास होती है 9:30 AM, और करंट अफेयर या फिर बैंकिंग अवेयरनेस, स्ट्रेटजी के, इसकी जो क्लास होती है ना, वो होती है शाम में 7:30 PM. तो आप मुझे वहां पर ज्वाइन करिए. इसके अलावा अनअकैडमी के पास एक नया फीचर है, जो कि जिसका नाम है आस्क द डाउट. अगर अभी प्लस वन है ना, तो आप इस फीचर का फायदा उठा सकते हैं. क्या करना है यहाँ पर, आपको मान लो कभी भी आप कुछ पढ़ रहे हैं, आपको डाउट आया, तो आप उस क्वेश्चन का इमेज क्लिक कर लीजिए और उसको अनअकैडमी को सेंड कर दीजिए. अनअकैडमी की जो एक्सपर्ट की टीम है, आपको वहां पर से रिप्लाई जरूर देंगी उसके सही आंसर के साथ में. सो लाइव अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो. और इसी के साथ ना, हर संडे को अनअकैडमी पर आपको कॉम्बैट होता है, सुबह 10 बजे होता है, जहां पर आपको 36 क्वेश्चन होंगे, 50 मिनट का टाइम दिया जाएगा. रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स, सभी टॉपिक्स होते हैं. तो आप इसको जरूर से अटेम्प्ट करें, क्योंकि काफी सारे प्राइजेस भी आप यहाँ पे जीत सकते हैं, काफी सारे स्कॉलरशिप्स भी जीतने का मौका मिल सकता है. अगर कभी भी आपसे कोई भी कोड मांगता है, तो आप वहां पर निव्या-6721 कोड यूज कर सकते हो.
ठीक है। सो चलिए आगे चलते हैं। सीईटी प्रिपरेशन के लिए बैंक और एसएससी का एक कॉम्बो ऑफर है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। आरबीआई नाबार्ड के लिए भी है, साथ ही ये आपके ऑफर्स हैं प्राइस के जो अनअकैडमी प्लस के लिए जो आप परचेस करेंगे उसके लिए, तो आप देख लीजिए। एंड बस ऑल सेट, लेट्स क्रैक इट टुगेदर गाइस। थैंक यू सो मच।